हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर प्लम्बर में। अभी हम जानेंगे प्लम्बिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ छोटे शब्दों का, शॉर्ट शब्दों का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे NRV का फुल फॉर्म क्या है, PRV का फुल फॉर्म क्या है, WC का फुल फॉर्म क्या है, CP का फुल फॉर्म क्या है, PTMT का फुल फॉर्म क्या है और PTFE का फुल फॉर्म क्या है, और इसके उपयोग के बारे में भी जानेंगे, इस्तेमाल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम NRV का फुल फॉर्म जानते हैं। NRV का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वाल्व, इसे हम लोग चेक वाल्व भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग वन वे पाइपलाइन में करते हैं। एक तरफ से पानी उस पाइपलाइन में जाए तो रिटर्न उसी पाइपलाइन में पानी नहीं आए। इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर मोटर के पास करते हैं, मोटर में लगाते हैं। जैसे सप्लाई लाइन का पानी मोटर खींचता है तो उसी सप्लाई लाइन में पानी रिटर्न नहीं जाए, उसके लिए हम लोग NRV का चेक वाल्व का यूज करते हैं, लगाते हैं। ये कई मॉडल में आता है, हॉरिजॉन्टल में आता है, वर्टिकल में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि NRV का यूज हम लोग वन वे लाइन के लिए करते हैं। एक तरफ से पानी जाए तो दूसरी ओर से रिटर्न पानी उसी पाइपलाइन में नहीं आए। अब हम जानते हैं PRV का फुल फॉर्म क्या होता है। PRV का फुल फॉर्म है प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसे कई लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी कहते हैं, लेकिन इसका सही फुल फॉर्म है प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका उपयोग हम लोग हाई प्रेशर के पानी को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, लो करने के लिए करते हैं। जैसे 20 तल्ला का, 30 तल्ला का, 40 तल्ला का, 50 तल्ला का पानी, प्रेशर का पानी बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे बाथरूम फिटिंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, क्रैक होते हैं। जैसे कनेक्शन पाइप हो जाता है, फट जाता है, हेल्थ फीसेट होता है, फट जाता है। ये बिल्कुल लो क्वालिटी का प्लास्टिक का नल है तो वो भी कई बार डैमेज हो जाता है, क्रैक हो जाता है, फट जाता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, हाई प्रेशर के पानी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं PRV का। अब हम जानते हैं WC का फुल फॉर्म क्या है। WC का फुल फॉर्म है वाटर क्लोजेट। बहुत सारे लोग WC को वेस्टर्न कमोड भी कहते हैं फुल फॉर्म में, लेकिन इसका सही फुल फॉर्म है वाटर क्लोजेट। ये भी कमोड को ही कहते हैं, WC जो कमोड आता है, इंग्लिश कमोड जो कहलाता है, चाहे वो वन पीस में हो या टू पीस में हो। तो ये WC का फुल फॉर्म वाटर क्लोजेट ही है। बहुत सारे लोग इसे वेस्टर्न कमोड भी कहते हैं, लेकिन इसका सही फुल फॉर्म है वाटर क्लोजेट, जो इंग्लिश कमोड को कहते हैं। हिंदी कमोड को या तो इंडियन सीट कहते हैं या फिर उड़ीसा पेन कहते हैं। तो इंग्लिश कमोड में ही वाटर क्लोजेट WC कहलाता है, WC कमोड कहते हैं। अब हम जानते हैं CP का फुल फॉर्म। CP का फुल फॉर्म है क्रोम प्लेटेड। इसका उपयोग हम लोग पीतल के ऊपर में जो निकिल चढ़ा रहता है, जैसे पीतल जितने भी स्टील जैसा कलर का जो नल आता है वो सभी पीतल के होते हैं, उस पर निकिल चढ़ा हुआ रहता है, पॉलिश चढ़ा हुआ रहता है, वो क्रोम चढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए क्रोम प्लेटेड का हिंदी अर्थ होता है क्रोम चढ़ा हुआ, मतलब जितने भी पीतल के नल होते हैं उस पर ये निकिल चढ़ा हुआ रहता है, स्टील के जैसा पॉलिश चढ़ा हुआ रहता है, क्रोम चढ़ा हुआ रहता है, इसलिए वो स्टील जैसा दिखता है, जबकि वो स्टील का होता नहीं है, वो पीतल का ही नल होता है और उस पर निकिल चढ़ा हुआ रहता है, क्रोम प्लेटेड मतलब CP चढ़ा हुआ रहता है। ये CP के बहुत सारे फिटिंग्स आते हैं, बाथरूम फिटिंग्स जो होते हैं, जैसे नल हो गया, मिक्सर हो गया, शावर हो गया, डायवेटर हो गया, सभी स्टील जैसे जितने भी फिटिंग्स मतलब बाथरूम फिटिंग्स होते हैं, नल, मिक्सर, शावर, एंगल का जितने भी होते हैं, वो सभी CP के ही होते हैं, क्रोम प्लेटेड, क्रोम CP चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन सब पीतल के ही होते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे CP के बारे में। अब हम जानते हैं PTMT का फुल फॉर्म क्या होता है। PTMT का फुल फॉर्म है पॉलीटेट्रामेथेलिन टेरेप्थेलेट। ये एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है। इस मटेरियल से प्लास्टिक का नल बनाया जाता है, प्लास्टिक का नल होता है जो बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है। ये बनाने वाली कंपनी बहुत सारे हैं, इसमें से एक पर्ल कंपनी है जो सभी बाथरूम फिटिंग से, जैसे नल हो गया, मिक्सर हो गया, शावर हो गया,
ये सभी इसी मटेरियल से बनाती है, पीटीएमटी मटेरियल से ही पर्ल कंपनी बनाती है। एक उदाहरण के लिए हम पर्ल कंपनी का नाम लिए हैं, और भी कंपनी है जो पीटीएमटी मटेरियल का यूज करती है नल बनाने के लिए। तो ये एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है पीटीएमटी। अब हम जानते हैं पीटीएफई का फुल फॉर्म क्या होता है। पीटीएफई का फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ये भी एक तरह का मटेरियल है जिसमें इस मटेरियल का उपयोग करके टेफ्लन टेप बनाया जाता है। इसी मटेरियल से टेफ्लन टेप बनता है, इसीलिए टेफ्लन टेप को पीटीएफई टेप भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पीटीएफई के बारे में। इसी तरह थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनों तरह का प्लम्बिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर प्लम्बर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।